108 साल की बुजुर्ग के कटे पैर देख डॉक्टर रोए। दर्द इतना था कि 2 दिन जिंदा रही लेकिन वो रो भी नहीं सकी, बस तड़पती रही। नमस्कार, देखिए बुजुर्ग महिला की असहनीय दर्द के बाद मौत की कहानी। जयपुर में रविवार रात चांदी के कड़े चुराने के लिए 108 साल की महिला के दोनों पैर काट दिए गए। 2 दिन के असहनीय दर्द के बाद बुजुर्ग जमुना देवी ने मंगलवार को दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्यारे प्रकाश प्रजापत को गिरफ्तार कर लिया है। प्रजापत पहले जमुना देवी के घर किराएदार रहता था। रविवार रात जयपुर में घटी इस घटना के बारे में जिसने भी सुना सिहर उठा। कितना खौफनाक था वो मंजर। मन में एक ही सवाल था, उम्र के जिस पड़ाव में जब मामूली जख्म भी नहीं भरता, वहां जमुना देवी ने 2 दिन तक उस भयानक पीड़ा को कैसे बर्दाश्त किया होगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने उन 2 लोगों से बात की जो अंतिम समय में उनके साथ थे। इलाज करने वाले डॉक्टर अचल शर्मा और जमुना देवी की दोहिती ममता मीणा, दोनों ने नम आंखों से और सुबकते हुए जो कुछ भी बताया वो रुला देने वाला था। दोहिती बोली, नानी खून में लथपथ थी, समझ नहीं आया क्या करूं। मैं पिछले रविवार को सुबह 6 बजे उठी, सबसे पहले नानी को देखा, नानी बिस्तर पर नहीं थी। मैंने सोचा शायद बाहर बैठी होगी, उनसे चला नहीं जाता, फिर भी जैसे तैसे उठकर चली गई होगी। जब मैं बाथरूम के पास गई तो जो देखा उससे हाथ पैर सुन्न हो गए। नानी खून में लथपथ तड़प रही थी, फर्श पर कटे पैर थे। मैं जोर जोर से रोने लगी, जैसे तैसे चीख चीख कर मम्मी को बुलाया, मम्मी भी दौड़ी दौड़ी आई। नानी को इस हालत में देखकर वे बेसुध हो गई, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। किराएदार को आवाजें लगाई, एक बार को तो किराएदार के भी होश उड़ गए, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। उसने नानी को गोद में उठाया और कमरे में लेकर आया। नानी को देखकर मैं बिल्कुल पागल जैसी हो गई थी। मम्मी ने मुझे झकझोरा और कहा, जल्दी मामा बड़े मामा को फोन कर। जैसे तैसे हिम्मत जुटाई, मैंने उन्हें और पुलिस को फोन किया। डॉक्टर बोले, ऐसा अपराध देखकर कोई भी सिहर जाए। अस्पताल में था जब पता चला कि कड़े निकालने के लिए 108 साल की बुजुर्ग महिला के पैर काट दिए गए हैं। मैं ट्रामा सेंसन की ओर दौड़ा। बुजुर्ग वैसे ही नहीं बोल पाती थी और इस कंडीशन में तो उनके शरीर में तड़पने लायक जान तक नहीं बची थी। जिस किसी को मामूली चोट भी लगती है तो उसे दर्द होता है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जमुना देवी ने कितनी असहनीय दर्द सहा होगा। वो बेचारी तो इतनी कमजोर थी कि चिल्ला भी नहीं पाई। जमुना देवी होश में थी, ऊंचा सुनती थी, लेकिन इलाज के संबंध में जब बात की तो इशारे में जवाब भी दिया। मुझे दोहिती मिली, वो तो बोलने तक की कंडीशन में नहीं थी, उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। वो तो बस इतना बोली कि नानी कुछ नहीं बोल पाती। शर्मनाक है कि एक महिला जो माँ या दादी की उम्र की है, उसकी जिंदगी के बजाय उसके कड़ों को देखा जा रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा था और लग रहा था कि समाज में कैसे गिरावट आ गई है कि चंद पैसे के लिए लोग ऐसा भी कर सकते हैं। ये भी विचार आया कि जिसने घटना की है उसकी ज़िंदगी में इतने पैसे कितनी देर तक चलेंगे। जब जब भी जमुना देवी को देख रहा था तब तब लग रहा था कि मानवता शर्मसार हो रही है। जैसा कि SMS अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने बताया, अपने पैरों का कर्ज चुकाने के लिए काटे जमुना के पैर। जमुना देवी दोनों पैर काटकर चांदी के कड़े और लॉकेट ले जाने वाले व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनका पुराना किराएदार ही था। मंगलवार को किराएदार प्रकाश प्रजापत पुलिस की गिरफ्त में आ गया। आरोपी जमवारामगढ़ क्षेत्र में रहने वाला प्रकाश प्रजापत है। पूछताछ में हत्या करने वाले आरोपी प्रकाश प्रजापत ने बताया, कुछ साल पहले उसका सड़क दुर्घटना में पैर टूट गया था, 4 लाख तक खर्चा हुआ। इसके बाद वह इस कर्ज को चुका नहीं पा रहा था, आए दिन पैसे मांगने वाले उसके घर आते थे। इस पर उसने महिला को मारने और लूटने का प्लान बनाया। नजदीक किराए से रह रहा था प्रकाश। ऐसे पहुंची पुलिस, प्रकाश प्रजापत पहले जमुना देवी के घर पर किराए से रहता था। घर में हुए एक विवाद के बाद उसने मकान खाली करवा लिया थे। इसके बाद
प्रकाश प्रजापत आसपास की कॉलोनी में मकान किराए पर लेकर रहने लगा। पुलिस ने घटना के बाद जांच शुरू की तो प्रकाश की स्कूटी सीसीटीवी में दिख गई थी। इस स्कूटी के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। आरोपी प्रकाश प्रजापत के पास से बरामद किए गए बुजुर्ग महिला के चांदी के कड़े, ये कड़े ही बनेंगे जमुना देवी की निशानी। प्रकाश घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर रहता था। लूटे गए कड़े बरामद कर लिए गए हैं। परिजनों का कहना है कि जमुना देवी तो गई, अब ये कड़े ही उसकी निशानी है। पुलिस के अनुसार इस मुकदमे को केस ऑफिसर स्कीम में रखकर जांच की जाएगी ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।